हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिंद्रपाल गंगवार, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 7, एनवायरमेंट। व्हाट इज द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है? इन दिस आई टीच यू इन दिस चैप्टर पेज नंबर 25। एनवायरमेंट स्पेलिंग इज मिसिंग बट राइट स्पेलिंग एनवायरमेंट। टेक्स्ट लर्न करेंगे ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी एनवायरमेंट। इन अलग याद करेंगे, बॉर्न अलग याद करेंगे, वी आई आर ओ एन एम ई एन टी मेंट अलग याद करेंगे। अलग लर्न करेंगे, स्पेलिंग बड़ी ध्यान से लर्न कर लेंगे। तो पहले इसे हम रीडिंग कराते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कराते हैं। We live in a beautiful world. We have so many things around us. Some of them are nature and some are man-made. These things are further classified into living things and non-living things. Plants, animals, air, water, and soil affect our life. All of these things are correlated and play an important role to make of environment healthy. Air is all around us. We cannot live without air. All living things need air to breathe. The air we breathe should be free from pollution. Polluted air caused many diseases such as cancer, heart trouble and lung disease. The main pollutants are smoke, dust and pollutants gases. These come from factories, motor bicycles and chimneys. All living things need water. We live in a beautiful world. In this chapter, environment. Environment माने क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आप सभी जानते होंगे। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण के बारे में बताया हमने। environment, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जहां हम रह रहे हैं सब पर्यावरण है। We live in a beautiful world. बिलीव हम रहते हैं इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, माने एक सुंदर से, किसमें ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। हम एक सुंदर से संसार में रहते हैं। वर्ल्ड माने क्या होता है? संसार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड? संसार। ब्यूटीफुल फॉर सुंदर, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। वी लिव इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हम एक सुंदर संसार में रहते हैं। वी हैव सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, वी हैव सो मैनी थिंग्स हमारे पास में, मैनी माने बहुत सी, थिंग्स माने वस्तुएं हैं, अराउंड माने चारों ओर, अस माने हमारे, हमारे चारों ओर बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं भी होती हैं। सम ऑफ द देम आर नेचर एंड सम आर मैन मेड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, नेचर में प्राकृतिक होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की बनाई हुई होती हैं, होती नहीं होती, मनुष्य ने जो चीज़ों को बनाया है। दीज थिंग्स आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो लिविंग थिंग होती हैं, और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग होती हैं। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग तो जानते ही होंगे आप, जिसको हम जिस चीज़ में कोई क्षमता होती है, या जिस चीज़ को हम जो है अपने आप कोई कार्य कर सकते हैं, उसे लिविंग थिंग कहते हैं। जो दूसरे के सहारे होती है उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। एज एग्जाम्पल, प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर एंड सियोल इफेक्ट आवर लाइफ। देखिए आज के समय में, नाउ ए टाइम कोरोना वायरस है ना, तो इसलिए प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर एंड सियोल। देखिए उनमें से क्या है, प्लांट, जितने पौधे हैं, एनिमल जानवर हैं, एयर हवा है, वाटर एंड सियोल इफेक्ट ऑफ लाइफ। क्या करते हैं ये हमारे जो है जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्लांट हैं, देखो पौधे, पौधे से किसे होता है, हमें एयर मिलती है, हवा मिलती है नहीं, ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड चीज करता है। ऐसे एनिमल जानवर हैं, एनिमल्स जानवर हैं, इनसे हमें क्या कितना लाभ है, कितना हानि है। एयर जितनी होती है, वाटर एंड सियोल मतलब भूमि जितनी है, इफेक्टेड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चाहे किसी रूप में सही। ऑल दीज थिंग्स आर कोरिलेटेड एंड प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मेक और इन्वायरमेंट हेल्थी।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में, क्या जैसे खेल, खेल क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल एंड महत्वपूर्ण एक जो जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है क्या करना, मेक ऑफ एनवायरमेंट हेल्थी, मतलब जीवन में खेल खेलना क्या बहुत ही जरूरी है पर्यावरण में, पर्यावरण के पर्यावरण में है ना, एनवायरमेंट हेल्दी, एनवायरमेंट पर्यावरण को क्या करता है, पर्यावरण के अनुसार हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है। पर्यावरण में हरा भरा पर्यावरण होगा, हरे भरे बगीचे होंगे, हरा भरा आकाश होगा, हरी भरी सब चीज़ होगी तो क्या होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, बिल्कुल बिना प्रदूषण के, बिना उसके होगा तो बहुत अच्छा होगा। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा क्या हमारे चारों ओर है, ऐसा नहीं हवा नहीं है, हवा कहाँ है, एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर है, वी कैन लिव विदाउट एयर, हम बिना हवा के नहीं रह सकते, वी कैन नॉट, हम नहीं रह सकते, वी लिव माने रहना, विदाउट एयर बिना हवा के, ऑल लिविंग थिंग नीड एयर एंड ब्रेथ, सभी को क्या है, किसकी जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, चाहे वाले किसी भी रूप में सही, चाहे एनिमल सही, चाहे मैन सही, व्यक्ति सही, किसी को भी, हर किसी को हवा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एयर वी ब्रेथ शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, एयर वी ब्रेथ हवा क्या रखती है हमें, फ्री रखती है फ्रॉम पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण से, प्रदूषण से क्या है, प्रदूषण इतना प्रदूषण है, प्रदूषण जो है ये हवा जो है सब हमें प्रदूषण से मुक्त करती है। पॉल्यूटेड एयर केसेस आर मेनी डिजीज देयर द कैंसर, देखिए प्रदूषण ही एक ऐसा कारण है क्या, सच एज माने वास्तव में कैंसर, कैंसर ट्यूमर जानते हैं आप लोग, ये क्या है, एक जो है हवा से ही ये हमारा पॉल्यूशन जो हो रहा है, पॉल्यूशन इससे ही क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हार्ट, हार्ट की जितनी बीमारी होती है, हार्ट, हार्ट ट्रबल एंड लंग डिजीज, मतलब जितनी जो बीमारियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, हार्ट अटैक हो जाता है व्यक्ति को, एंड डिजीज मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं हमारी, किससे होती है ये सब, हमारी किससे होती है, एयर पॉल्यूशन होती नहीं होती, हवा से ही जितना प्रदूषण हो रहा है। दी मेन पॉल्यूटेड आर द स्मोक, ये मतलब धूम्रपान करने से सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है धूम्रपान, लेकिन फिर भी उस पर लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, धूम्रपान यूज करते हैं, करते नहीं करते यूज, तो स्मोक क्या ना, डस्ट एंड पॉल्यूशन गैसेस दीज कम फ्रॉम द फैक्ट्रीज, मोटर बाइसाइकिल एंड चिमनीज, चिमनी से निकलने वाला धुआं, बाइसाइकिल जितनी होती हैं ये बिजली जितनी भी मोटरसाइकिल हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो चिमनी से जो धुआं होता है, जितने वाहन चल रहे हैं यातायात, रेल, रेल है, बसेस हैं, मोटरसाइकिल हैं एंड हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके निकलने वाला जो धुआं होता है इनसे भी क्या होता है हमारा वायु प्रदूषण होता है, होता नहीं है प्रदूषण यार, वायु जब भी हमारे किस में जाते हैं, ये वायु में जाते हैं, हवा के सारे ये क्या होते हैं, ये जो हमें प्रदूषण फैलाते हैं, बहुत जो चिमनी होती है, चिमनी से निकलने वाला धुआं जितना होता है, आज के समय में कोरोना वायरस ही लॉकडाउन हुआ तो क्या हो गया हमारा, इसमें सारा पॉल्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया था, हो गया नहीं, तो इसीलिए जो है इसमें इन दिस चैप्टर आई टीच यू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में बताया मैंने कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, हमारा सुंदर संसार, यदि एनवायरमेंट में यदि प्रदूषण ना हो तो हमारा संसार कैसा हरा भरा रहेगा, बिल्कुल एनवायरमेंट जो हमारा यहाँ पर्यावरण कैसा रहेगा, एकदम बिल्कुल स्वच्छ हरा भरा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, लेकिन प्रदूषण होने की वजह से सारा पर्यावरण कैसा होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है, कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, श्योल पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं जो किसी ना किसी रूप में हो रहे हैं, खेती में दवा डाली जाती है, डाली जाती नहीं पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाली जाती है, उससे भी बहुत सारी जितनी उनकी जो होती है उससे भी बहुत प्रदूषण हो रहा है। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर, सबको किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, हर चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को किसकी आवश्यकता होती है, पानी की, जबकि वाटर इज़ यूजफुल इन मैनी वे, क्या है, पानी का यूज़ अलग अलग होता है, इसलिए पढ़ाते हैं सर, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग, ड्यू इन टू इंट्रीगेशंस एंड फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर हार्मफुल केमिकल्स एंड लिक्विड गैस एंड मेक द वाटर पॉल्यूटेड, वाटर इज पीसिस, सो वी शुड कन्वर्स द वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर इज ऑल्सो ए वे ऑफ सेविंग, इसे इम्पोर्टेंट देखिए, यूज कहना है कि वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम देखिए पानी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पीने के लिए सबसे ज़्यादा पानी का यूज करते हैं, बातिंग नहाते हैं, बहुत वेस्ट कर देते हैं पानी, कहते हैं डोंट वेस्ट ऑफ वाटर, कहते नहीं, लेकिन पानी को हम फिर भी वेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं पानी बर्बाद मत करो, लेकिन पानी फिर भी बर्बाद करते हैं। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, करते नहीं यूज, नहाने में, कपड़े धुलने में, खाना बनाने में, सब में हम क्या करते हैं, पानी का यूज होता है, बिना पानी के नहीं रह सकते हम, बिना ड्यू ऑफ
इंटीग्रेशंस ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल ऑफ लिक्विड गैसेज मेक इन दी वाटर पोल। देखिए जल प्रदूषण किससे होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे नाले होते हैं ना, जितनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियाँ जो होती हैं इनसे निकलने वाले बहुत पानी निकलता है, इनसे जो फैक्ट्री के नाले होते हैं इनसे बहने वाला पानी, इसमें कितने होते हैं कीटाणु होते हैं जो क्या जाते हैं वायुमंडल में जाते हैं, वायुमंडल में जाने के बाद क्या होता है प्रदूषण होता है, पता नहीं खुला पानी जाता है। तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा कि केमिकल एंड लिक्विड गैसेस इनसे जो निकलने वाली जो गैस होती हैं मेक दी वाटर ऑफ दी पॉल्यूटेड क्या करती है प्रदूषण कर देती हैं, क्या कर देती हैं हार्मफुल माने हानिकारक होता है, केमिकल माने केमिकल रासायनिक पदार्थ जो होते हैं इनके, एंड लिक्विड गैसेज इनसे निकलने वाली गैस होती हैं मेक दी वाटर ऑफ पॉल्यूटेड क्या होती है, क्या हो जाता है इससे नुकसान होता है लॉस होता है। वाटर इज प्रेशियस शो मी शुड द कन्वेंस ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज ऑल्सो दी वे ऑफ सेविंग। केवल करें शुड कन्वेंस ऑफ वाटर केवल पानी का हम क्या करें यूज़ किस में करते हैं फसल के लिए हम पानी का यूज करते हैं, रेन वाटर इज ऑल्सो केवल बरसात का जो पानी है वे ऑफ द सेविंग क्या होता है केवल सही होता है, लेकिन बाकी जितने फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी हैं वो क्या होते हैं हमारा सब प्रदूषण कर देते हैं, जबकि कभी कभी बरसात अधिक हो जाती है तो पानी का बहुत बहाव हो जाता है उससे भी हमें नुकसान होता है, होता नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि बताया गया है कि दी अपर लेयर इज दी अर्थ ऑफ कॉल्सी और प्लांट ग्रो इन इट व्हेन मैन लर्नेड फार्मिंग ही स्टार्टेड डिस्पोजिशन इट क्रिएट्स दी इम्बेलेंस इन दी नेचर ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू दिस देयर इज दी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोसफियर वी शुड इनक्रीज पॉल्यूशन। कह रहे हैं दी अपर लेयर ऑफ अर्थ इज दी ओजोन जो पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर का मतलब जो ऊपर जो हमारे पृथ्वी के ऊपर है उसे क्या कहते हैं इसे मिट्टी वो मिट्टी इसे क्या कहते हैं शियोल, पृथ्वी के ऊपर जो है अर्थ जो पृथ्वी से क्या होती है इस पर खेती जो होती है जिस पर हम चलते हैं अर्थ क्या कहलाती है शियोल कहलाती है। कह रहे हैं प्लांट ग्रो इन इट इस पर क्या होती है हमारे पौधे उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं व्हेन मैन लर्नेड फार्मिंग लोग क्या करते हैं इस पर खेती भी करते हैं, जबकि लोग क्या करते हैं इस पर खेती करते हैं पौधे लगाते हैं सारा वर्क क्या होता है इस पर इसी पर सारा वर्क होता है किसी पृथ्वी की जो हमारी फर्स्ट लेयर है इस पर होते हैं। ही स्टार्टेड डिस्पोजिशन और क्या हमने इस पर धीरे धीरे चलना शुरू किया धीरे धीरे हमने सारा कार्य इस पर करना शुरू किया है। इट क्रिएट द एम्बुलेंस इन द नेचर इस समय जो हमारा क्या है ये स्वभाव में क्या है बहुत अच्छा स्वभाव इसमें नेचर मतलब इसमें प्रकृति में क्या है बहुत ही अच्छा है इसका इनबैलन मतलब बहुत अच्छा है इसका बैलन ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सबका इसी का उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वातावरण में क्या है ग्लोबल वार्मिंग बरसात हुई बरसात उसके बाद मौसम हुआ चेंज हुआ और चेंज होने के बाद तुरंत एकदम क्या हो गया वातावरण में जब पानी पृथ्वी पर आया उसके बाद क्या हुआ है धीरे धीरे जो है इसे चेंज हो गया और चेंज होने के बाद फिर बादल बने और बादल बनने के बाद तुरंत फिर बारिश मतलब इस तरह से जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होती रहती है। दिस इज द ग्लोबल वार्मिंग दिस इज द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा हमारी वातावरण में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वातावरण में वी शुड इंक्रीज पॉल्यूशन प्लांटेशन इसलिए हमें क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि हमारे जो पेड़ सबसे ज़्यादा काटे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं लेकिन क्या है जब तक पेड़ हमारे जब काटे जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले है कि हमें क्या सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जब पेड़ अधिक होंगे तो क्या होगा हमारा प्रदूषण कम होगा। टुडे द नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ द बीकम द प्रॉब्लम इज बिग सिटीज मोटर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज लाउड स्पीकर प्रोडक्ट ऑफ लोट ऑफ नॉइज लाउड साउंड क्रिएट द हियरिंग द डिसऑर्डर आवर अर्थ इज आवर होम वी मस्ट केयर फॉर इट Pollutions has become a great the challenges become us. Our slogan should be to save the earth is my duty. We should implement it by the carrying out more plantation and more water harvesting. देखिए इसमें इसका एक्सप्लेन क्या है कि टूडे वी नॉइज द पॉल्यूशन आज के समय में क्या होती है आवाज़ बहुत होती है होती नहीं आवाज़ बहुत आवाज़ हो रही हैज़ द बिकम प्रॉब्लम इन बिग सिटी बड़े बड़े शहरों में देखा हॉर्न की आवाज़ होती है इतने इतने प्रेशर के हॉर्न लगा लिए जाते हैं जिसकी आवाज़ से कोई भी कुछ भी नहीं सुन पाता है पता नहीं कहना बिग सिटी बड़े बड़े शहरों में मोटर बाइक मोटरसाइकिलों में बाइक जो वाहन होते हैं उनमें
फैक्ट्री की आवाज़ होती है, फैक्ट्रियों की आवाज़ होती है, होती नहीं नालों, फैक्ट्री में नाले में पानी छोड़ा जाता है उसकी आवाज़ होती है, फैक्ट्रियों से बहुत सारी हॉर्न की आवाज़ होती है, लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है, प्रोडक्ट लोड ऑफ नॉइज, बहुत ढेर सारी ऐसी आवाज़ें होती हैं जिससे कि क्या है शहर में रुकना मुश्किल पड़ जाता है। ये भी हमारा एक ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। सबसे ज़्यादा एक कानों क्या करता है, हमारे कानों की आवृत्ति से अगर अधिक हमारी आवाज़ हर्ट से ज़्यादा अगर आवाज़ हो गई तो क्या होता है व्यक्ति बहरा हो जाता है, हो जाता नहीं। तो कानों की भी आवाज़ के लिए भी जितनी इसकी हर्ट जाए कानों की आवाज़ इतनी उसकी कैपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग ही हमें जो है केवल आवाज़ आती है, अगर उससे अधिक होगी व्यक्ति की आवाज़ तो व्यक्ति क्या बहरा हो सकता है। क्या ना लाउड साउंड क्रिएट दी हार्वेस्टिंग डिसऑर्डर, ये क्या है जो चीज़ तेज़ आवाज़ होती है क्या होती है हेयरिंग मैंने सुनने में डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है नुकसान होता है, होता नहीं नुकसान होता है। आवर अर्थ इज आवर होम, क्या पृथ्वी ही हमारा घर है नहीं घर, अंडरस्टैंड समझ रहे हैं सभी, पृथ्वी ही हमारा घर है। ऐसे ही नेक्स्ट है ये वी मस्ट केयर फॉर, हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। पॉल्यूशन हैज़ बिकम द ग्रेट चैलेंज हैज बिकम फॉर अर्थ, इसलिए क्या करना चाहिए प्रदूषण से हमें बचना रहना बचे रहना चाहिए। प्रदूषण से हमें क्या ये हमें क्या है एक चैलेंज है, चैलेंज दे रहा है तो इस चैलेंज से हमें दूर रहना चाहिए। और स्लोगन एक स्लोगन कहा गया है टू सेव अर्थ इज माई ड्यूटी, पृथ्वी को बचाना ही हमारा कर्तव्य है, पृथ्वी को जो सुरक्षित रखना ही हमारा कर्तव्य। वी शुड इंपॉर्टेंट वेरी केयरिंग आवर मोस्ट पॉल्यूशन मोर वाटर हार्वेस्टिंग, कि हमें ना तो अधिक पानी बर्बाद करना चाहिए और ना और अधिक से अधिक हमें पौधे लगाने चाहिए, और क्या करना चाहिए हमें अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए। कहना है कि इसीलिए कहा गया आवर स्लोगन शुड बी, अगर हमारी पृथ्वी सेफ होगी तो हम भी क्या होंगे सेफ होंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। जब पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमें इसलिए अधिक से अधिक क्या करना चाहिए प्लांटेशन, सबसे अधिक से अधिक हमें पौधे लगाना चाहिए। जब अधिक से अधिक पौधे लगे हुए होंगे तो जितना प्रदूषण होता है जितना पौधे जो होते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जब पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन खींचेगा, बीमारी बनेंगी हैं। आज के समय में कैंसर एक आम बात हो गई, कैंसर होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना सबसे ज़्यादा आम बात हो, एलर्जी होना, ये शरीर में क्या है ये सब किससे सबसे प्रॉब्लम है, ये सब एयर से, ये सब हवा से ही है, ये जितनी जो गंदी जो जितनी जो हवाएं आ रही हैं जितनी जो हवाएं हैं ये गंदी, ये सब क्या हो रहा है ये सब हमारे क्या प्रदूषण, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ प्रदूषण। नाउ इट टाइम कोरोना 19 वायरस, देखिए इस समय जो कोरोना चल रहा है बीमारी बहुत कम हो गई, क्यों, क्योंकि प्रदूषण कम हो गया, फैक्ट्री सारी बंद हो गई थी बीच में, हो गई थी नहीं फैक्ट्री बंद हो गई थी, वायु प्रदूषण एयर प्रदूषण खत्म हो गया नहीं हो गया, एंड कौन सा प्रदूषण नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इससे क्या हुआ प्रदूषण बिल्कुल बंद हो गया, बिग सिटीज़ वेरी वेरी जो बड़ी बड़ी शहर थे सब में प्रदूषण समाप्त हो गया, तो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई। लेकिन नाउ टाइम स्टार्टेड फैक्ट्रीज जब स्टार्ट हो गई तो फिर से प्रदूषण बढ़ने लगेगा, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए इससे हमें सुरक्षित रहना चाहिए, तभी हम सेफ रह पाएंगे जब हम प्रदूषण को समाप्त करेंगे। अंडरस्टैंड, इस चैप्टर को हम रीड करेंगे एक दो बार रीड करेंगे, इसकी हिंदी देखेंगे, अगर कोई वर्ड्स कोई वो आता है तो हमसे इसका जो है डिस्कस कर लेंगे, समझ रहे हैं ना सभी, डिस्कस कर लेंगे, कुछ वर्ड्स हैं एक दो उन्हें आप देख लो, अगर आपको सम पॉल्यूशन तो जानते हैं सब, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन है और कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको थैंक